सूरत जिल्लानी 16 विधानसभानी बैठकोनी मतगणतरी माटे जिल्ला चूंटणी तंत्र सज्ज। सूरत शहरनी SVNIT कॉलेज खाते 6 तथा SNS गांधी कॉलेज खाते 10 विधानसभा बैठकोनी मतगणतरी थशे। मतगणतरी केन्द्रमां चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त। 16 विधानसभाओनी मतगणतरीमां 2270 जेटला अधिकारी कर्मचारीओ जोड़ाशे। 16 विधानसभाओमां 10-14 टेबलो गोठवाशे। सूरत जिल्लानी 16 विधानसभा बैठको माटे तारीख 8 डिसेम्बरना रोज SVNIT कॉलेज, इच्छानाथ अने SNS गांधी कॉलेज मजूरा गेट खाते मतगणतरी हाथ धरवामां आवशे। जे माटे जिल्ला चूंटणी तंत्र द्वारा तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपवामां आव्यो छे। शहरनी SVNIT कॉलेज खाते कुल 6 विधानसभानी ज्यारे गांधी कॉलेज खाते 10 विधानसभानी मतगणतरी थशे। दरेक विधानसभा दीठ 10-14 टेबलो गोठवीने मतगणतरी थशे, जेमां एक माइक्रो ऑब्जर्व, एक एकाउंटिंग असिस्टंट, एक एक सुपरवाइजर मतगणतरीना कार्यमां जोड़ाशे। आम 16 विधानसभामां 2270 अधिकारी कर्मचारीओ मतगणतरीनी कामगीरी करशे। SVNIT कॉलेज खाते मतगणतरीमां 163, लिंबायत विधानसभामां 23, राउंडमां 135 कर्मचारीओ जोड़ाशे। 161 वराछा रोडनी वात करीए तो 17 राउंडमां मतगणतरी थशे। 14 टेबल मळी कुल 50 कर्मचारीओ जोड़ाशे। 165 मजूरा विधानसभामां 19 राउंडमां 80 कर्मचारीओ, 162 करंज विधानसभामां 18 राउंड तथा 30 कर्मचारी, 159 सूरत पूर्व विधानसभामां 18 राउंडमां 60 कर्मचारीओ, 160 सूरत उत्तर विधानसभामां 70 राउंड अने 50 कर्मचारीओ मतगणनामां जोड़ाशे। SNS गांधी कॉलेज ऑफ एंजीनियरिंग मजूरा गेट खाते 10 विधानसभानी मतगणतरी थशे, जेमां 159-84 विधानसभामां 38 राउंडमां मतगणतरी तथा 70-80 कर्मचारीओ जोड़ाशे। 156 मांगरोळ विधानसभामां 21 राउंडमां गणतरी अने 70 कर्मचारीओ जोड़ाशे। उपरांत 157 मांडवी विधानसभामां 22 राउंडमां 285 कर्मचारीओ, 166 कतारगाम विधानसभामां 21 राउंड तथा 85 कर्मचारीओ, 167 सूरत पश्चिममां 19 राउंड 187 कर्मचारीओ, 163 लिंबायतमां 23 राउंड अने 135 कर्मचारीओ, 164 उधना विधानसभामां 18 राउंडमां मतगणतरी 300 अधिकारी कर्मचारीओ, 169 बारडोली विधानसभामां 20 राउंड तथा 1 रिजर्व राउंड मळी 21 राउंडमां मतगणतरी अने 200 कर्मयोगीओ, 170 महुआ विधानसभामां 20 राउंडमां 80 अधिकारी कर्मचारीओ, 158 कामरेजमां 38 राउंडमां 150 कर्मचारीओ, 155 ओलपाड़मां 32 राउंडमां 250 कर्मचारीओ मतगणतरीनी फरजमां जोड़ाशे। तारीख 8ના રોજ સૌપ્રથમ બેલેટ પેપરની ગણના થશે, જેની નિયમ મુજબ ગણતરી શરૂ કરીને મુખ્ય મતોમાં ભેળવી દેવામાં આવશે, ત્યારબાદ EVM ખુલશે।